एक्ट्रेस सनी लियोनी और उनके पति डैनियल को केरल की हाई कोर्ट ने राहत दी है। उन पर एक धोखाधड़ी का मामला चल रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सनी एक कार्यक्रम में आने के लिए रुपए लेने के बावजूद नहीं पहुंची थी। अब उनको इस मामले में राहत मिल गई है। इस धोखाधड़ी के मामले को रद्द कराने के लिए सनी लियोनी 15 नवंबर को खुद कोर्ट पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक अपने हॉट एंड बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी और उनके पति डैनियल वेबर को केरल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केरल हाई कोर्ट ने आज सनी लियोनी और उनके पति डैनियल वेबर के खिलाफ दर्ज एक मामले पर रोक लगा दी है। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को सनी लियोनी, डैनियल वेबर और उनके कर्मचारी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले पर साफ रोक लगाई है। बताया जा रहा है कि दंपति और उनके कर्मचारियों द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने मामले और इससे संबंधित होने वाली सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। कार्रवाई को रद्द करने की मांग एक्ट्रेस और उनके कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने उन्हीं आरोपों के साथ एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था, जिसको जुलाई 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत में सबूत न होने के अभाव में खारिज कर दिया था और इसी के चलते उन्हें अपने खिलाफ होने वाली कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सनी लियोनी को एक कार्यक्रम में आने और अपने परफॉर्मेंस के लिए लाखों रुपए देने के बावजूद वो कार्यक्रम में नहीं पहुंची। आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। एक्ट्रेस सनी लियोनी पर कोची पुलिस की क्राइम ब्रांच विंग ने 4 साल पहले एक FIR दर्ज की थी। इस FIR के अनुसार सनी लियोनी ने कोझिकोड में एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया। दरअसल क्राइम ब्रांच एर्नाकुलम जिले की शियास कुन्हू मोहम्मद नाम के एक शख्स की शिकायत पर यह एक्शन लिया, जो कि शो के कोऑर्डिनेटर थे। उनके मुताबिक सनी लियोनी ने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। इसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपए लिए थे और कार्यक्रम की तारीख भी दी थी, लेकिन सनी लियोनी और अन्य लोग कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत ही नहीं की और ना ही बाद में पैसे वापस किए। शिकायतकर्ता की तरफ से दर्ज FIR में करणजीत कौर उर्फ सनी लियोनी के अलावा उनके पति डैनियल वेबर और उनके मैनेजर सुनील रजनी का नाम भी शामिल है। सनी लियोनी ने अब दावा किया है कि उनके और उनके पति डैनियल और कर्मचारी के ऊपर लगे आरोप गलत हैं। सनी लियोनी का कहना है कि उन्हें इस मुकदमे की लंबी प्रक्रिया के दौरान काफी नुकसान हुआ है, जबकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। बहरहाल अब उनको इस मामले में राहत दे दी गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।